हेलो एवरीवन, दिस इज मुरली दा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज आपके लिए फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर के आ चुका हूं मैं। आज गाइस आपको इस वीडियो में बताऊंगा हम बड़े आसान तरीका से अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पेटीएम से कर सकते हैं। अब तक आपको जो मैंने फोन पे से करना सिखाया था कि हम फोन पे से किस तरीका से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने देख लिया होगा, मैं आपको थंबनेल लगा देता हूं। वैसे तो मैंने जो है गाइस अपने चैनल पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, SBI की अलग है, HDFC की अलग है एंड उसी के साथ में RBL की अलग है। गाइस अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। गाइस हम जो है हर अपने व्यूअर को कमेंट रिप्लाई करना नहीं भूलते हैं, चाहे सब कुछ भूल जाए। तो गाइस हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले SBI क्रेडिट कार्ड की अगर आपने हमारी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो आप आराम से जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो हमने इस क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखी है एंड आज हम इसकी पेटीएम से बिल पेमेंट करने वाले हैं। किस तरीका से होने वाला है, किस तरीका से ऐड करते हैं, प्रॉपर सारा कुछ हम बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। गाइस यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपने फोन में पेटीएम ऑन कर लेना है। पेटीएम ऑन करने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे की साइड में, आपको नीचे की साइड यहाँ पर दिख जाएगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्रेडिट कार्ड पेमेंट में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अगर सेम है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिया होगा तब और फोन पे पेटीएम जो भी आपके पास होगा वो सेम है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे जो भी आपके पास में क्रेडिट कार्ड होंगे। जैसे मेरे पास में यहाँ पर जो है चार क्रेडिट कार्ड है, चारों क्रेडिट कार्ड मेरे यहाँ पर शो हो रहे हैं, बट मैंने यहाँ पर जो ऐड नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं जो है पेटीएम से पेमेंट करने वाला हूँ ऐड करके क्रेडिट कार्ड को। तो किस तरीका से करते हैं आपको वो दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पर याद रखना, आप जो है आपका कार्ड नंबर जो लास्ट में जो है, जो आपका कार्ड नंबर लास्ट में यहाँ पर शो हो जाएगा वही सेम कार्ड नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर उसको जो है क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मेरा कार्ड नंबर जो लास्ट में है ये सेम है, मैंने मैच कर लिया। बाकी का जो आगे के जो कार्ड नंबर होते हैं वो हमको यहाँ पर डिजिट डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इसके कार्ड नंबर डालूंगा, उसके बाद मैं निकनेम डालूंगा, उसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना कार्ड नंबर यहाँ पर डाल लिया है। कार्ड नंबर को डालने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीका का जो शो हो जाएगा, जो आपका वीजा है वीजा होगा, मास्टर होगा मास्टर होगा, जो भी होगा आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ये वैसे आपका जो है इंटरनेट निकनेम ये ऑप्शनल है, आप डालो ना डालो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने डाल दिया है फिर भी अपने याद के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है इसको प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद में मेरा जो अमाउंट है, जो भी मेरा बिल अमाउंट है वो यहाँ पर वो शो हो जाएगा। किस तरीके से आपके मेल पे बिल आया हुआ है वो आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये ले लेगा। वैसे ऑटोमेटिकली ही ले लेता है वैसे तो ये। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले एक बार वेरीफाई करूंगा, चेक करूंगा यहाँ 70169 रुपए जो मेरा अमाउंट आ रखा है यही है या नहीं है। एक और ऑप्शन देखने को मिलता है इसके अंदर, मिनिमम ड्यू। मिनिमम ड्यू आपको कभी पे नहीं करना है, आप जो हमेशा टोटल ड्यू ही पे करना है। मैं आपको ये पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को पूरी तरह एक्सपीरियंस है तब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। एंड उसी के साथ में आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा नीचे साइड में, यहाँ पर जो है पे अदर एनी अमाउंट। गाइस अगर आपको लग रहा है ये अमाउंट सही नहीं है तो आप यहाँ पर भी अमाउंट फिलअप कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पर जो है टोटल ड्यू है। मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। किस तरीका से वेरीफाई करते हैं, अगर आपके पास में SBI का ऐप होगा तो ऐप में आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ आपके सामने SBI कार्ड करके ऐप है, ये जो प्ले स्टोर पर मिल जाता है आराम से फिंगरप्रिंट से। इसको अनलॉक कर लेता हूँ। तो अनलॉक करने के बाद में मेरे पास में कुछ इस तरीका का शो हो जाएगा। तो मेरे पास में कार्ड दो है SBI की, एक सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है और एक BPCL कॉप्टन है मेरे पास में। तो मैं यहाँ पर इसको चेक कर लूंगा, ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली ही वो आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इसको जनरेट करना होगा। इस तरीका से आपके जो शो हो जाएंगे, तो आपको ये देखना है आपका क्रेडिट कार्ड कौन सा। तो यहाँ पर 31 वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा BPCL वाला 31 वाला ही क्रेडिट कार्ड है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर स्पेशली देखने को मिल जाएगा स्टेटमेंट ड्यू 1769 रुपए मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे को यहाँ पर जो है 23 जून तक लास्ट ड्यू डेट थी मेरी, आज 23 जून है, मैं आज इसको 11:19 में यहाँ पर जो है पे कर रहा हूँ। गाइस एंड में देखता हूँ मेरे को इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देने पड़ेंगे, कोई लेट फीस तो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आज 23 तारीख है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, फ्राइडे 23 जून 2023 है आज के, और मैं यहाँ पर इसको फिलअप करूंगा, सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर दिखा दूंगा मैं। तो मेरा यहाँ पर जो अमाउंट है आप यहाँ पर देख लिया, बाकी का मैं जो है अपने पेटीएम पर जाता हूँ। पेटीएम पर जाने के बाद में यहाँ पर देखता हूँ सेम है। यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड में, अप्लाई कैशबैक ऑफर। तो यहाँ पर जो है इसके कैशबैक वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कोई कैशबैक इसमें से यूज करना है तो आप इजीली इसमें से कोई भी कैशबैक यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कोई कैशबैक अभी यूज नहीं करना है, क्यों मैं यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ पेमेंट पेड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है। मैं यहाँ पर जो इसको जाता हूँ बैक करने के बाद में यहाँ पर सीधा जो प्रोसेस टू पे 1769 रुपए यहाँ पर जो पेमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर स्पेशली मेरे पास में ऑप्शन आ चुका है, UPI का भी आ चुका है, और यहाँ पर जो आप देख सकते हो नीचे साइड में पे फ्रॉम न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप
जिसके पास में अगर बैंक अकाउंट है, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह सारा कुछ इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है। बट मेरे पास में यूपीआई है तो मैं यहाँ पर जो है अपने यूपीआई से ही इसकी पेमेंट करने वाला हूँ आपके सामने। अगर आपके पास में वॉलेट में पैसे होंगे तो आप यहाँ पर वॉलेट में भी पैसे यूज कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के लिए। तो यहाँ पर जो है यूपीआई ट्रांजेक्शन करता हूँ सीधा सा। इसमें आपको क्या पिन डालना पड़ेगा, जो भी आपका पिन होगा। और ये आसानी तरीका से मैंने यहाँ पर जो है आपके सामने प्रोसीड कर दिया है। और ये मेरा जो है स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, आप जो है बिल क्लियर हो चुका है, मेरा बिल पेड हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको स्पेशली सारा कुछ यहाँ पर दिखा दिया किस तरीका से ऐड होता है और किस तरीका से पेटीएम के द्वारा हम पेमेंट करते हैं। यहाँ पर मेरा मैसेज भी आ चुका है, डेबिट हो चुका है मेरा पैसा। अगर आप इसकी इनवॉइस भी डाउनलोड करना चाहते हो तो आराम से आप जो है इसकी इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको जो है इनवॉइस डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कोई कहता है कि आपने पेमेंट कब की थी हमको नहीं पता है, तो आप यहाँ से स्पेशली इनवॉइस डाउनलोड कर लोगे कि हमने जो इसकी पेमेंट इतनी तारीख को की थी, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपने देखा किस तरीका से हमने बड़े आसान तरीका से, ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, हमने बिल्कुल आसान तरीका से आपको दिखा दिया है कैसे हम जो है पेटीएम के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड करके इजीली पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हमने फोन पे के अंदर दिखाया था, फोन पे पैसा चार्ज करता है, पेटीएम ने कोई पैसा चार्ज नहीं किया है, पेटीएम बिल्कुल फ्री है। अभी जो आप बिल पेमेंट करने वाले हो एज इट इज वही बिल पेमेंट हो रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज आपसे एक रुपया नहीं लिया जा रहा है अभी। एंड अगर हम जो है उसी के साथ में फोन पे की बात कर रहे हैं तो फोन पे में आपको जो है पैसा चार्ज देखने को मिल जाता है, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए ऐसा कुछ का, जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा आपको पैसा देखने को मिलता है। तो ये जो है फोन पे पेमेंट लेने लग गया है, पेटीएम नहीं ले रहा है, तो आप उसका फायदा उठाइए एंड बड़ी आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करिए। तो गाइस हमारी यही तक थी वीडियो। गाइस अगर आपने हमारी और क्रेडिट कार्डों की अनबॉक्सिंग नहीं देखी है HDFC, RBL, SBI वगैरह की, तो आप जाकर के मेरे डेडिकेटेड प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। गाइस अब हमको दीजिए इजाजत, अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।